नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नवरत्न मजुषा। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा सी टेट की मार्कशीट यदि आप ओरिजिनल प्राप्त करना चाहते हैं, डाउनलोड करना चाहते हैं और उसी के साथ यदि आप सर्टिफिकेट सी टेट का प्राप्त करना चाहते हैं तो वो कैसे। तो देखिए, आपको जो गवर्नमेंट का जो ऑफिशियल जो एक एप्लीकेशन है डिजी लॉकर, तो आप इस डिजी लॉकर से आप डायरेक्ट आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने एक एप्लीकेशन डाउनलोड किया था डिजी लॉकर के नाम से। तो आप इसको ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद में आपके सामने बहुत सारे जो ऑप्शन हैं वो लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत सारे जो गवर्नमेंट के जितने भी जो एप्लीकेशन है टोटल इसमें आ जाएंगे और जो भी सुविधाएं हैं वो आपको डिजी लॉकर के माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं आप आधार कार्ड प्राप्त कर सकते हैं और भी कोई इनकम डिपार्टमेंट से रिलेटेड चीज़ें आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। और इसमें देखिए जो बहुत सारी जो स्कीम है आप देख सकते हैं कि इसमें आप देख सकते हैं कि जो आपको मैं बताऊंगा इसमें जो 36 है, इसमें 66 है, बहुत सारे इसमें एप्लीकेशन है। तो देखिए, आपको जो सी आल है सी आल के ऊपर आपको क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पर जो सी आल है इसके ऊपर क्लिक करूँगा और मैं अपना जो सी टेट का मार्कशीट है, सी टेट की जो सर्टिफिकेट है वो मैं प्राप्त करूँगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे जो ऑप्शन मिलेंगे, लेकिन आपको कुछ भी नहीं करना। आप देख सकते हैं कि आपके सामने जो सी टेट का जो एप्लीकेशन है यहाँ पर आपको क्लिक करना है, यानी आपको यहाँ पर सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जो है यहाँ पर आपको क्लिक करना है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, तो इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा। और क्लिक करने के बाद में आप देख सकते हैं आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। देखिए, जो टीचर एजिबिलिटी है टेस्ट का है, आप देख सकते हैं जो ये है। तो आपको सबसे पहले आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। आप यहाँ से आपका जो वेरीफाइड जो आपका मार्कशीट है सर्टिफिकेट है वो आप प्राप्त कर सकते हैं। इसमें आपका नाम आ जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं नाम आ जाएगा। नाम के बाद में आपको यहाँ पर रोल नंबर डालना है और फिर यहाँ पर आपको ईयर डालना है। तो देखिए, सबसे पहले मैं अपना जो यहाँ पर जो नाम है, नाम इसमें ऑलरेडी आ जाता है और उसके बाद में यहाँ पर जो रोल नंबर है वो, और उसके बाद में आपका जो सेलेक्ट ईयर है। तो देखिए, मैं यहाँ पर अपना जो रोल नंबर है वो डालूँगा और रोल नंबर डालने के बाद में आपको मैं जो बताऊँ उस हिसाब से आपको जो आपका फॉर्म है वो आपको फिल कर देना है। तो मैं यहाँ पर अपना जो रोल नंबर है वो मैंने फिल कर दिया है और फिल करने के बाद में आप देख सकते हैं कि आपका जो सिलेक्ट ईयर है वो आप प्राप्त कर सकते हैं। आप चेक कर सकते हैं कि आपको कौन सी ईयर की, जैसे 2018 की है, 19 की है, दिसंबर 19 की है या 2021 की है। तो देखिए, मैं यहाँ पर जो दिसंबर है 2021 की मार्कशीट है वो यहाँ पर प्राप्त करूँगा। तो मैंने यहाँ पर फिल कर दिया है और गेट डॉक्यूमेंट्स आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पर गेट डॉक्यूमेंट्स हैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा और जैसे जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो मेरी जो सर्टिफिकेट है वो आप देख सकते हैं कि इसमें डॉक्यूमेंट्स में आ जाएंगे। तो देखिए, मेरे सामने यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आ चुके हैं। यहाँ पर देखिए आधार कार्ड आ चुका है और जो स्टेट की जो मार्कशीट है आप देख सकते हैं इसमें जो मार्कशीट है वो आ चुकी है इसमें मार्कशीट, और उसके बाद में आप देख सकते हैं सर्टिफिकेट। तो देखिए, यहाँ पर जो सबसे पहले मैं अपनी मार्कशीट है वो यहाँ से प्राप्त करूँगा। तो मैं मार्कशीट के ऊपर क्लिक करूँगा, यहाँ पर जो इश्यू डॉक्यूमेंट्स हैं आप देख सकते हैं आपका जो यहाँ पर जो इश्यू डॉक्यूमेंट्स हैं यहाँ पर आ जाएगा इश्यू डॉक्यूमेंट्स में। तो सबसे पहले मार्कशीट पर क्लिक करूँगा तो आप PDF में देख सकते हैं आपके सामने जो PDF जो मार्कशीट है ये ओपन हो जाएगी। आप चेक कर सकते हैं आपकी जो मार्कशीट है वो आ चुकी है। इस हिसाब से पूरे आपके रोल नंबर है, आपकी जो ID नंबर है, आपके सिग्नेचर है, आपकी जो फोटोज है, आपका जो आपका मार्कशीट है वो यहाँ पर आपके सामने आ जाएगा। ये है सर्टिफिकेट, आप चेक कर सकते हैं इसमें लिखा हुआ आ रहा है सर्टिफिकेट। तो देखिए, जो स्टेट की जो मार्कशीट का है आप ये मार्कशीट है सॉरी ये मार्कशीट है तो ये मार्कशीट आ जाएगी, इसमें लिखा हुआ रहा मार्कशीट स्टेटमेंट। और उसके बाद में जैसे इसको मैं यहाँ से डायरेक्ट शेयर कर सकता हूँ और कॉपी कर सकता हूँ, आप इसका प्रिंटआउट ले सकते हैं। और जैसे मैं इसको बैक करूँगा तो ये मार्कशीट है और मार्कशीट के बाद में जो अपना सर्टिफिकेट है, अब देखिए जो मैंने मार्कशीट के बाद में जो सर्टिफिकेट है इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा और स्टेट के जो जो सर्टिफिकेट है वो आ जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं कि आपकी जो स्टेट की इसमें आप देख सकते हैं क्वालिफाइड आ रहा है इसमें कि टोटल जो मार्क्स आ रहा है इसमें नाम वगैरह टोटली जो आपकी मार्कशीट ये काम कर सकती है। और आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ आ रहा है एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट, आप यहाँ पर बोर्ड का नाम देख सकते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन, ये जो आ रहा है सेकेंडरी एजुकेशन दिल्ली का ये स्टेट का, और आप चेक कर सकते हैं जनवरी 2021 का ये मार्कशीट है। तो इस हिसाब से आप एक छोटा सा मैंने आपको ऑप्शन बताया था, उसी ऑप्शन से आपकी मार्कशीट वगैरह वो आप प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपके सामने सुरक्षित पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।